गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी के चलते सभी विद्यालय फिर से एक सप्ताह के लिए बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो इस महामारी के मद्देनजर रखते हुए विद्यालय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति रहती है तब तक क्लास ऑनलाइन चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और क्लास को डेली बाय डेली देखते रहें, उसे समझें, अध्ययन करें और उसे अपने नोटबुक में भी नोट करते जाएं, चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज, क्योंकि विद्यालय खुलने पर सभी कॉपी जांच की जाएगी, यदि आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज हम समझेंगे कुरान से संबंधित कुछ नोट। ठीक है, इसके पहले भी हम आप लोग को कुरान से संबंधित कुछ विशेष बातें और बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कुरानों का संख्या रेखा का निर्धारण। ठीक है, आज हम क्या समझेंगे कि संख्या रेखा का निर्धारण, जिस संख्या रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, कैसे उस पर अंक दर्शाया जाता है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है, शून्य क्या है, इन सभी बिंदु पर आज हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखा गया है संख्या रेखा का निर्धारण। ठीक है, लिखा गया नोट नंबर 1। अब नोट लिखने से पहले हम लोग बताते हैं यहाँ बनाया गया संख्या रेखा। ठीक है, बनाया गया संख्या रेखा, इसका नाम क्या है, संख्या रेखा, संख्या रेखा। ठीक है, यह बताइए आपका संख्या रेखा है। अब देखिए इसको यहाँ जो बीच में बीच वाला उसका विभाजन जो चिन्ह है ये क्या है, शून्य है, यानी एक संख्या का बनाया गया है और इसके मध्य भाग से शून्य से दर्शाया गया है। इसका अर्थ क्या है कि जो शून्य है, ठीक है, ये इस संख्या रेखा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है। ठीक है, अब इस शून्य को हम लोग क्या कहते हैं जी, इस शून्य को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु या केंद्र। ठीक है, मूल बिंदु या केंद्र। अब यह समझेंगे कि जब भी हम इस शून्य से दाएं तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें जो भी मान प्राप्त होगा या जो भी गुणांक प्राप्त होगा वो हम उसे लिखेंगे प्लस के रूप में। ठीक है, उसे दर्शाएंगे किस रूप में, ही प्लस के रूप में, यानी धनात्मक रूप में। इधर शून्य से दाएं तरफ लिखेंगे बढ़ते क्रम में। ठीक है, और यही जब हम पढ़ेंगे शून्य से बाएं अर्थात लेफ्ट में, तो इसे हम लिखेंगे घटते क्रम में। ठीक है, ये भी सिंपल आपको संख्या रेखा बता रहे हैं, इसके बाद आप एक और बताएंगे, पर इसको समझेंगे तभी आप लोग अगला समझ में आपको आने वाला है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका संख्या रेखा हो गया। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु हो गया, और मूल बिंदु से बढ़ेंगे दाएं तरफ, मान लीजिए क्या है, यहां से यहां आपका क्या है जी, दाया भाग है। ठीक है, दाया भाग है, और यहाँ क्या आपका, या तो मान लीजिए बाया भाग है, लेफ्ट पक्ष है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी दाया भाग और बाया भाग। ये पर क्या है, लेता है मूल बिंदु, क्या है जी, मूल बिंदु कहिए या केंद्र कहिए, इसे कहते हैं मूल बिंदु। शून्य क्या है जी, शून्य अपना मूल बिंदु है। ठीक है, इतना बात आपको समझ चुके हैं संख्या रेखा के बारे में, इस संख्या रेखा बनाया गया है, यह आपका मूल बिंदु है, और यहां से पहले दाएं तरफ को यह मान प्राप्त होगा प्लस में, यानी धनात्मक रूप में, और यही जब बढ़ेंगे शून्य से बाएं तरफ ये मान प्राप्त होगा नेगेटिव, यानी ऋणात्मक रूप में। इतना बात चलिए, आप बढ़ेंगे नोट की तरफ। ठीक है, वही बातें लिखेंगे नोट में,
जो हम बता चुके हैं, एनके में संख्या रेखा में संख्या रेखा पर लिखेंगे, संख्या रेखा पर शून्य, ठीक है, जीरो को मूल बिंदु माना जाता है, मूल बिंदु माना जाता है, ठीक है, मूल बिंदु माना जाता है। क्लियर है, संख्या रेखा पर शून्य को मूल बिंदु माना जाता है या शून्य को मूल बिंदु से दर्शाया जाता है। सॉरी, चलिए आप देखेंगे, फर्स्ट नंबर का सेकंड लिखेंगे, सेकंड होगा कि मूल बिंदु से संख्या रेखा पर मूल बिंदु से संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर मूल बिंदु से दाएं, ठीक है, मूल बिंदु से दाएं अर्थात राइट में दाएं तरफ, मूल बिंदु से दाएं तरफ बहने पर संख्या का मान धनात्मक, ठीक है, संख्या का मान धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। यह इतने बात कि संख्या रेखा पर मूल बिंदु से दाएं तरफ बढ़ने पर संख्या का मान धनात्मक प्राप्त होता है, जो यहां बताया गया है। क्लियर है, चलिए लिखेंगे थर्ड नंबर नोट, इसमें लिखेंगे संख्या रेखा पर मूल बिंदु से बाएं, ठीक है, अर्थात लेफ्ट में बाएं तरफ, मूल बिंदु से बाएं तरफ बढ़ने पर संख्या का मान ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक यानी निगेटिव में संख्या का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। क्लियर इतना बात, इसे हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर मूल बिंदु से बाएं तरफ बढ़ने पर संख्या का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है या बाएं तरफ बढ़ने पर संख्या का मान घटते क्रम में प्राप्त होता है, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु से दाएं तरफ बढ़ने पर संख्या का मान धनात्मक या बढ़ते क्रम में प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है, बात आपको क्लियर हो गया। चलिए अब लिखेंगे शून्य, लिखेंगे फोर्थ नंबर में शून्य यानी जीरो, ठीक है, पहले लिखेंगे आप शून्य, लिखेंगे जीरो शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही
ऋणात्मक ऋणात्मक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, केवल उदासीन पूर्णांक है, केवल उदासीन पूर्णांक है, ठीक है, केवल उदासीन पूर्णांक है। ठीक है, इतना बात समझ चुके हैं, क्लियर। ये देखा था, ये था कुछ संख्या रहता था निर्धारण, ठीक है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लोग। अब यह संख्या का भी सिंपल है, ठीक है, और इससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा इसे कठिन भी और संख्या का आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे दिखाते हैं, ठीक है, और एक संख्या का आपको हम और दिखाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं संक्षेप में, ठीक है, सारी बातों को आप लोग नोट करेंगे। चलिए एक और आगे संख्या रेखा, ठीक है, और इससे अलग होगा, देखिए इसमें क्या आता है, ठीक है, तो पहला था, ठीक है, यह बना दूसरा संख्या है, सेकेंड होगा जैसे आप लिखते हैं प्लस का चिन्ह, वैसे बना सकते हैं प्लस, ठीक है, इसमें आपका इसका मान लगभग बारह चिन्ह बराबर इसके आकृति आप देखिए, मान लीजिए ये भी क्या एक संख्या रेखा है, ठीक है, और इसका क्या है कि इसका केंद्र है, ठीक है, यानी इसका क्या है केंद्र ये है, इसको हम सकते हैं यानी क्या है इसका केंद्र है, यानी इसका मूल बिंदु क्या है शून्य है इसी संख्या रेखा का, और इसमें चार दिशा है देखेंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, चार की दिशा है, सबसे पहले आप लोगों को दिशा का ध्यान होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आप स्वयं को मानेंगे आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, जो आपका ये सर वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा क्या है जी, ये आपका उत्तर दिशा को इंगित करता है, ठीक है, जो आपका सिर का उत्तरी हिस्सा है ये आपको उत्तर दिशा को इंगित करता है, जो आपका पैर है, ठीक है, ये आपको दक्षिण दिशा को इंगित करता है, और जो आपका राइट जो आपका लेफ्ट है, ठीक है, सॉरी आपका राइट हैंड है ये आपको पूरब को इंगित करता है, ठीक है, जो आपका राइट हैंड है ये आपको पूरब दिशा को इंगित करता है, जबकि जो आपका लेफ्ट हैंड है ये आपको पश्चिम दिशा को इंगित करता है, आप समझेंगे ध्यान रखेंगे हमको, जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये क्या है जी, ये सिर है, ये क्या है उत्तर है, ठीक है, उत्तर दिशा है, ये क्या है पैर है दक्षिण दिशा है, और ये क्या है राइट हैंड है, ये क्या लग रहा है जाएगा पूरब दिशा, पूरब दिशा, और ये क्या है लेफ्ट हैंड है हो जाएगा क्या ये पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप लोगों को दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। आप देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, ये तो गया मूल बिंदु, अब यदि हम मूल बिंदु से बढ़ते हैं सीधे दाएं तरफ, ठीक है, रूल आपका लगभग वही है जो पहले बता चुके हैं, अभी इस मूल बिंदु से बढ़ेंगे सीधा जी दाएं तरफ, ठीक है, बढ़ेंगे तो जो भी मान प्राप्त होगा उसे हम लिखेंगे प्लस के रूप में, यानी धनात्मक रूप में, क्लियर है, और इसी शून्य से जब बढ़ेंगे ऊपर यानी उत्तर दिशा में तो भी जो मान प्राप्त होगा उसको हम लिखेंगे प्लस में, ठीक है, उसको हम लिखेंगे प्लस में, ठीक है, इसे लिखेंगे प्लस में, इसे भी लिखेंगे प्लस में, ये क्लियर हो गया, इधर उत्तर दिशा प्लस हो जाएगा और दाएं में प्लस हो जाएगा, क्लियर है। अब बात रही बाएं तरफ की और नीचे भी दक्षिण दिशा की तरफ,
तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब दूरी बिंदु से बढ़ते हैं बाएं तरफ इसका मान होता है घटते क्रम में, ठीक है, यानी ऋणात्मक रूप में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है घटते क्रम में, यानी क्या करेगा तो घटते जाएगा। तो इसे हम सूचित करेंगे, इसे सूचित करेंगे माइनस के चिन्ह से, ठीक है, यानी नेगेटिव चिन्ह से। अब ठीक वैसे ही यहां से बढ़ेंगे नीचे, ये भी क्या ये भी जाएगा घटते क्रम में, ठीक है, ये जाएगा घटते क्रम में। तो इसे भी हम ठीक है माइनस से निरूपित करेंगे, इसे भी हम नेगेटिव चिन्ह से सूचित करेंगे। समझ चुके हैं उस डायग्राम को, ये एक संख्या रेखा का डायग्राम है। जब हम पूरी बिंदु से बढ़ेंगे दाएं तरफ यानी पूरा दिशा में, तो हमें जो मान प्राप्त होगा उसका लिखेंगे प्लस। ये है यही हमारे मूल बिंदु से उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर, तो जो भी मान प्राप्त होगा उसका लिखेंगे प्लस के रूप में, ठीक है। और जब इसी मूल बिंदु से हम बढ़ेंगे बाएं तरफ यानी पश्चिम दिशा में, या इसी मूल बिंदु से नीचे यानी दक्षिण दिशा में, तो जो भी मान प्राप्त होगा उसे हम लिखेंगे माइनस के रूप में, यानी ऋणात्मक रूप में दर्शाएंगे, ठीक है। यही बात आपको यहाँ हमने समझाना था, इसे हम बता चुके हैं। तो चलिए आज रात बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि सभी बातें आप लोगों को भली भांति समझ में आ गई होगी। और फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसे आप लोग अपने नोटबुक में अपने फेयर में कंप्लीट करते जाएंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज, ठीक है, क्योंकि विद्यालय खोलने पर सभी कॉपी की जांच की जाएगी, तभी आप लोग बात ध्यान में रखेंगे। और चलते चलते ये आप लोगों को बता दें कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें, ठीक है, और पढ़ाई ढंग से करते रहें और किसी के निरंतर होने का काम मत करें, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।